स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च कितने होते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च अब भी हम कंडक्ट करते हैं तो जो प्रोसीजर है क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करने का ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च से और मिक्स मैथड रिसर्च से और न्यूमैन के मुताबिक जो है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है इसमें सेवन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो आइए अब हम देखते हैं कि वो सेवन स्टेप्स कौन से स्टूडेंट्स uh, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च uh, वो बेशक सर्वे रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है कुजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है कोई भी रिसर्च है इन तमाम रिसर्च डिज़ाइन में जो मेन फीचर uh, होता है रिसर्च का वो है थ्योरी थ्योरी uh, हमें इंफॉर्म करती है कि हमने रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है ये हमें हर जो है स्टेप पे इंफॉर्म करती है हमें गाइड करती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च को अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है कि आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है कि जिसके ऊपर आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है टॉपिक सिलेक्शन के बाद आप फोकस करते हैं कि आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या होंगे टॉपिक सिलेक्शन और रिसर्च क्वेश्चन के जो क्रिएशन तक ये जो प्रोसीजर है इसमें आपको लिटरेचर रिव्यू पढ़ना पड़ता है आपको थेरेटिकल रिव्यू करना पड़ता है इसी की बुनियाद पर आप इस काबिल होते हैं कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट कर सकें डिज़ाइन कर सकें जब आप रिसर्च क्वेश्चन फाइनलाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है आपने स्टडी को डिज़ाइन करना है यानी कि आपकी मेथडोलोजी क्या होगी आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा आपका सैम्पल साइज़ क्या होगा आपकी सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या होगी आप डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे फील्ड से और डाटा कलेक्शन के जो चैलेंजेस हैं वो कैसे आप एड्रेस करेंगे आपका एनालिसिस प्लान क्या होगा ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टडी डिज़ाइन में के वक्त आपको सोचनी होती हैं और आपका लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च क्वेश्चन और आपका थ्रेटिकल फ्रेमवर्क इसके ऊपर आपको गाइड कर रहा होता है जो फोर्थ स्टेप है वो है डाटा कलेक्शन यानी जब हमने मेथोडोलॉजी डिसाइड कर ली मेथोडोलॉजी डिसाइड करने के बाद हम डाटा कलेक्शन टूल डेवलप करते हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेटा कलेक्शन भी कहते हैं क्वांटिटेटिव uh, रिसर्च में हम स्ट्रक्चर्ड कोश्चनियर की बात करते हैं वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर भी हो सकता है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरव्यू स्कैजल भी हो सकता है क्लोज एंडेड इंटरव्यू कैजुअल इसके साथ साथ हम ये देखते हैं हमने जो अगर सर्वे करने जा रहे हैं तो हम ऑनलाइन सर्वे करेंगे या ऑफलाइन सर्वे करेंगे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डेटा कलेक्शन के लेवल पे हमें देखनी होती है और हमने इनके मतलब डिसाइड करना होता है वंस यू कलेक्ट द डेटा यू हैव टू एनालाइज द डेटा अब डेटा एनालिसिस के वक्त आप जो है सबसे पहले जब डेटा कलेक्ट करके लाते हैं तो डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने डेटा को क्लीन करना होता है डेटा में से देखना होता है कोई हम मिसिंग कोश्चनेयर तो नहीं है uh, कोई मिसिंग वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन तो नहीं है उनको अलहदा करना होता है फिर डाटा एंट्री करनी होती है तो क्वान्टिटेटिव रिसर्च में तीन चार रिनाउंड सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जैसे एस एस है एक्सल है इसके साथ साथ स्मार्ट पीएलएस है एमओस है तो आप फिर इन सॉफ्टवेयर्स में डाटा इंटर करते हैं डाटा इंटर करने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं यानी एनालिसिस जो है वो उसके तीन लेवल होते हैं और दो टाइप्स होती एनालिसिस अगर एक वेरिएबल पे हो रहा हो तो हम उसे यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं दो वेरिएबल पे हो रहा हो तो हम उसे बाईवेरिएट एनालिसिस कहते हैं दो से ज़्यादा वेरिएबल इन्वाल्व हों तो हम उसे मल्टी वेरिएट एनालिसिस कहते हैं और एनालिसिस की दो टाइप्स होती हैं एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और एक इनफ्लुनशल एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम आ, जो अपने वेरिएबल्स हैं उनका डिस्क्रिप्टिव डाटा उनकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज उनकी आ, जो है मैय ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन स्क्यूनेस यानी मेयर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह रिपोर्ट कर रहे होते हैं और जो इन्फ्लुशियल स्टैटिस्टिक्स होती है इसमें वी एक्चुअली चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी वेरिएबल्स। हम मुख्तलि टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि हम इनफ्लुएंसिस ड्रा कर सकें जो हमारे स्टडी वेरिएबल्स जो हमने जो हमने आईपोस बनाए थे वो अप्रूव हुए कि नहीं हुए और इसको हम आगे बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे डाटा uh, एनालिसिस के बाद हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं डाटा इंटरप्रटेशन में हम देखते हैं कि जो हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हुए उनकी रीजंस क्या थी और कैसे वो जो है एग्जिस्टिंग नॉलेज में uh, को इन्फॉर्म कर रहे हैं या इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं डाटा uh, इंटरप्रटेसन के बाद हमें इसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है और रिपोर्ट राइटिंग करके हम जो है दूसरे लोगों को अपनी रिसर्च के मतलब इन्फॉर्म करते हैं तो क्वांटिटेटिव डाटा रिसर्च हो या क्वालिटेटिव रिसर्च हो तो उसमें बेसिक रिसर्च हो या अप्लाइड रिसर्च हो तो उसमें ये बहुत है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका डाटा एनालिसिस कैसा है अगर आपका डाटा एनालिसिस अच्छा नहीं है तो आपकी रिसर्च की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस कम हो जाती है तो इसलिए हम जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च में हर स्टेप के ऊपर पर्टिकुलरली फ़ोकस करते हैं कि हम कैसे इसको अच्छे से कंडक्ट कर सकें तो ये सेवन स्टेप्स थे जो इन्वॉल्व होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में